आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है, मैं वार्ड 19 की पार्षद हूँ। कल रात को मेरे साथ क्या हुआ, राधा विहार में लाइट नहीं थी, ऑलरेडी वहाँ पे जेई और इंजीनियर काम कर रहे थे। रात को 1 बजे मेरे पास कॉल आया, मेरे हस्बैंड ने कॉल पिक किया, और मेरे हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, और मेरे हस्बैंड को गाली देने लग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप गाली किसको दे रहे हो, और फिर वो 5 मिनट में ही मेरे घर आ गए, और मेरे घर आके इतनी तेज गेट नॉक करने लगे, और आके सीधा धक्का देने लग गए हम लोग को कि आप कौन हो, आप जब मैं कोई हूँ नहीं तो आप मेरे घर क्यों आए। कौन लोग थे? वो दीपक एक बंदा है गोपाल नगर में जो रहता है, पूरा नाम बता। और मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ड्स उसके ऐसे थे ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही। कितने लोग थे? कम से कम 15-20 लोग थे, लेकिन बदतमीजी सिर्फ दीपक ने करी। उनके नाम बताएंगे? मुझे एग्जैक्ट सब लोगों का नाम नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक बंदा है दीपक जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझसे कहता तू है कौन, तू क्या कर लेगी, तो इस तरीके की वर्डिंग। और मैं जब पुलिस स्टेशन आई उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज को मुझे कंप्लेन करे, अभी 3 घंटे हो गए और चौकी इंचार्ज कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने उस बंदे को देखा, मैं दोबारा पुलिस स्टेशन आई कि सर वो वहाँ पे खड़ा है। फिर ये लोग गए, इनको कह के भेजते कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ये पुलिस डिपार्टमेंट को टाइम देने वाला कौन होता है? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ नहीं पा रहे। आप पार्षद के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर किसके लिए लोग? काफी ज्यादा शब्द शब्द इस्तेमाल किए, सॉरी कुछ अपशब्द भी इस्तेमाल किए, वर्ड ऐसे थे मैं बोल नहीं सकती। गालियाँ निकाली है मेरे घर के सामने ही आके, और फोन पे ऐसे मुझे बोल रहे थे, जाति सूचक शब्द बोलने में, जाति सूचक वर्ड्स थे, ऐसे शब्द थे। और क्या आपने कोतवाल साहब से इस बात मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गई, वो पुलिस स्टेशन के सामने से निकल के चला गया, इन्होंने पकड़ा ही नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ कि कोई ऐसे तो कोई भी मेरे घर आके मुझे धमकी देगा और पकड़ लेगा और यही सब करेगा। ठीक है।